नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्रिय चैनल पर। आज की चर्चा शनि महाराज के वक्री यानी उल्टी चाल को लेकर के करेंगे। शनिदेव 30 जून 2024 को कुंभ राशि में विराजमान होकर के वक्री हो चुके हैं और यह वक्री अवस्था 15 नवंबर 2024 तक रहने वाली है। ऐसे में किन राशि वालों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसी की चर्चा करेंगे। साथ ही किन्हें सतर्क रहना है और किन्हें इस मौके का सदुपयोग करना है, इस मौके का फायदा उठाना है, ये भी जानेंगे। देखिए, आप लोगों को बता दें कि शनि महाराज के वक्री होने से करीब 5 दिन पहले और समाप्त होने से 5 दिन बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेंगे। खासकर आप लोगों को कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है या किसी बड़े लेन देन से बचना होगा। अब जानते हैं कि शनि देव के वक्री होने पर किन किन राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वक्री शब्द का मतलब होता है अपोजिट, यानी जब भी ग्रह अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर रिवर्स मोशन धारण कर लेता है उसी को हम वक्री कहते हैं। यानी रिवर्स डायरेक्शन में अपनी चाल को कंटिन्यू करता है, तो इसी को वक्री कहा जाता है। देखिए, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को समझेंगे तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि होता क्या है कि पृथ्वी की तुलना में उनकी गति थोड़ी स्लो हो जाती है, यानी वह अपनी ऑर्बिट में स्लो घूमता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह रिवर्स डायरेक्शन में चला गया। ज्योतिष में वक्री ग्रह के डिफरेंट रिजल्ट बताए हैं, लेकिन खासकर शनि महाराज के वक्री होने से शनि जिस राशि में विराजमान होते हैं उन्हें जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ट्रेवल कंफ्यूजन का सामना करना ही पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, ध्यान से सुन लीजिएगा, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होते हैं। आइए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शनिदेव 2 राशियों के स्वामी हैं, पहले कुंभ राशि और दूसरी मकर राशि। शनिदेव तुला में उच्च के और मेष राशि में नीच के कहलाए जाते हैं। जब यह बकरी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से तुला राशि वाले जातकों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट और मकर राशि वाले जातकों के लिए नेगेटिव रिजल्ट का परिणाम हम समझ सकते हैं। वहीं शनिदेव जब अन्य राशियों में भ्रमण करते हैं तो उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यदि वह मेष राशि की मित्र राशि धनु में भ्रमण करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों को नकारात्मक असर नहीं डालेंगे। खैर, यह पूरी प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसे किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन शनि महाराज 29 तारीख को वक्री हो चुके हैं। हम जानेंगे सबसे पहले कि सभी राशियों पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान अपने वर्क लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है। धनहानि की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। वक्री गति के कारण अशुभ प्रभाव से परिवार में कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका। लेकिन इस समय आप लोगों को पेरेंट्स और लेकिन इस समय आप लोगों को पेशेंस और कंट्रोल के साथ हार्ड वर्क में ध्यान देना है। और शनि देव के इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी महाराज की और भैरव बाबा की पूजा करनी है। अब बारी है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि शनि महाराज का वक्री अवस्था में होना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है। शनिदेव
कि इस वक्री गति का प्रभाव रहने वाला है वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक इस समय आर्थिक नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। आप लोग व्यापार में भी देखेंगे कहीं ना कहीं धन हानि होती नजर आ सकती है, आपको धन हानि हो सकती है, आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, आपकी कोई पहले डील चल रही हो वो ब्रेक हो सकती है। तो बड़ा ही सोच समझ करके आपको कदम उठाना है। कहीं जॉब को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर के षड्यंत्र का शिकार होना आपको पड़ सकता है। घर परिवार में माहौल थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है। मेंटल स्टेबिलिटी न होने के कारण भी आप लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन क्या करना है, काला तिल लेना है, काला उड़द और सरसों का तेल, काला वस्त्र या फिर काला जूता किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। निश्चित ही आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव के वक्री गति के कारण जो तीसरी राशि परेशान हो सकती है वह है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्किंग लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा अशुभ है। काम बनते दिखाई देंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन रहने की पूरी आशंका है। अपने काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई पुराना मुकदमा चल रहा है तो आपको इस समय सजा हो सकती है और सजा समाप्ति हो सकती है, बशर्ते आपने कोई गुनाह नहीं किया हो, कोई गलती नहीं की हो, तभी आपकी सजा जो है समाप्त हो सकती है, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आप लोगों को हर दिन काले कोए या काले कुत्ते को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे शनिदेव के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए। शनि का वक्री प्रभाव एक राशि पर और पड़ने जा रहा है, वो राशि है मीन राशि। इसके बारे में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए मीन राशि वाले जातकों के लिए अपनी कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप इस समय कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके कारण आपको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर महिलाओं से कुछ अनुचित बोलने से पहले बचें। घर परिवार में भी अगर कोई इश्यूज है तो विदाउट एनी रीज़न आप उसमें टांग ना अड़ाएं, नहीं तो आपको पहाड़ी पड़ सकता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े करने से बचना होगा इस समय। उपाय के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर चेहरा देखकर उसे दान कर दें, इसे छाया दान कहते हैं। इससे शनिदेव का जो अशुभ प्रभाव है अवश्य खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।